Assalamu alaikum students, I am Ms. Rabia from class KG Blue. Hope you all are doing great. Students, today we are going to do our English work. So please take out your English workbook and take out page number 60. On page number 60, first of all, you will write date here. Today is 10/9. Then you will write day here. Today is Thursday. THURSDAY day, Thursday. Okay students, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो आइकन दिए हुए हैं, ठीक है. फर्स्ट इज़ राइट एंड सेकेंड इज़ मैच. इट मीन्स कि आप लोगों ने राइट भी करना है और मैच भी करना है, ठीक है. इसके आगे राइट हुआ है अ एंड एन, अ एंड एन. इट मीन्स कि हमने अ राइट करना है और एन राइट करना है, ठीक है. इंस्ट्रक्शंस नीचे हमें दी हुई हैं उन्होंने. इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा हम लोग रीड आउट कर लेते हैं. राइट अ एंड एन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मैच द वर्ड विद करेक्ट पिक्चर. इट मीन्स कि हम लोगों ने अ एंड एन को राइट करना है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में. जो हमारे ब्लैंक हम लोगों को उन्होंने बिल्कुल खाली ब्लैंक्स दिए हुए उसको हम लोगों ने फिल करना है अ और एन के साथ, और इनको करेक्ट पिक्चर्स के साथ मैच भी करना है, ठीक है. ये मैंने आपको तीन जो हैं वो सॉल्व करके दिखाए हैं. इसमें सबसे पहले एप्पल राइट हुआ हुआ था, तो एप्पल का हम लोगों ने ए देखा सबसे पहले कि ये क्या है, ये वाउल है, ठीक है. तो वाउल का फ्रेंड कौन था, एन था, तो हम लोगों ने एन एप्पल राइट कर लिया. एप्पल राइट हुआ हुआ था, हमने एन राइट किया. और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इन पिक्चर्स में एप्पल कहाँ है, ये है एप्पल, तो हमने एप्पल को इसकी करेक्ट पिक्चर के साथ मैच कर दिया, ठीक है. सेकंड इज़ हाउस. हाउस राइट हुआ हुआ था, तो हाउस का मैंने देखा कि जो एच है ये तो वाउल्स नहीं है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है. तो कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन है, अ है, ठीक है. तो अ हाउस, हाउस को मैंने हाउस की पिक्चर को फाइंड करके उसके साथ मैच कर दिया, ठीक है, लाइक दिस. ओके, सेकंड वर्ड इज़ सैंडविच. सैंडविच का एस फिर से मैंने देखा कि ये तो वाउल्स नहीं है, ये क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो मैंने इसको क्या किया, इसके फ्रेंड को इसके साथ में ला के बिठा दिया, अ सैंडविच. सैंडविच को मैंने यहाँ से पिक्चर से फाइंड किया, फाइंड आउट करके मैंने इसको इस तरह से मैच कर दिया, लाइक दिस. वेरी इजी स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. आपको आता है कि आपको अ का भी पता है, एन का भी पता है, वाउल्स के वाउल्स का फ्रेंड कौन है और कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन है आपको पता है. आप लोगों ने फर्स्ट लेटर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. जैसे बी है तो कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है. ओ है, ये वाउल है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है. सी कॉन्सोनेंट है. ई यस वाउल है. इसी तरह से आपने बाकी भी जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है. आपने फिल करना है इन ब्लैंक्स को और मैच करना है इनकी करेक्ट पिक्चर के साथ. आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.